बाद सनी का नाम हर दूसरी फिल्म के साथ जुड़ने लगा है। पहले बॉर्डर 2, फिर माँ तुझे सलाम का सीक्वल, पर कुछ नई फिल्म में अनाउंस हुई और अब अपडेट आई है कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सनी की एंट्री हुई है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2.5 किलो का हाथ रामायण में फिट कहाँ होगा। खैर, इस थोड़े सीरियस टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले ये बात करते हैं कि आखिर रामायण कौन सी फिल्म है। बॉलीवुड के जाने माने स्टार रणबीर कपूर और साई पल्लवी का नाम इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से जुड़ रहा है। इन दोनों के अलावा फिल्म में साउथ एक्टर यश की भी एंट्री पक्की ही मानी जा रही है। फिल्म रामायण को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए ड्रिंक करना और मांसाहारी खाने से दूरी बना ली है। जी, आदि पुरुष के हाल बेहाल के बाद ना कोई चाहता ही नहीं है कि फिल्म में कुछ भी गड़बड़ हो। अब रामायण में तो राम, सीता और रावण के किरदार कौन कर रहे हैं ये सबको पता चल गया, लेकिन रामायण में एक मेन कैरेक्टर है श्री हनुमान, जो होंगे 2.5 किलो हाथ वाले सनीपा जी। ये आज तक कहते थे कि जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इतने सालों बाद इस डायलॉग को सच करने का सपना रामायण से पूरा होने जा रहा है। और वैसे सनी इस रोल के लिए ही बने हैं क्योंकि इनकी आज तक जितनी भी फिल्में हैं उसमें इन्होंने गदर, दामिनी जैसी फिल्मों में, नारी सम्मान, माँ तुझे सलाम, बॉर्डर, स्पाई द हीरो जैसी फिल्मों में अपने कुल की रक्षा, अपने इंडियन में अपनों के प्रति कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है। और इनकी फिल्म में हमेशा ही किसी ना किसी तरह से माइथोलॉजी से जुड़ी रही है। जैसे गदर के लिए तो खुद अनिल शर्मा ने बोला था कि गदर की बेसिक कहानी रामायण से इंस्पायर्ड है, जिसमें तारा सिंह राम का कलयुगी अवतार लेते हुए अपनी पत्नी को अपने देश वापस लेकर आते हैं। तो रामायण में सनी का रोल जस्टिफाइड है। नितेश तिवारी की रामायण में सनी देओल की एंट्री के बाद अब फिल्म और भी जानदार बन गई है। इसके बाद अब फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। अभी तक रिलीज डेट को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी कि साल 2024 में शुरू होने वाली है। रामायण में सनी देओल की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।